हाय फ्रेंड्स मुझे सुनील समस्त स्वागत करती ओडिशा जॉब इन पर आशा करती समस्त बहुत बढ़िया थी समस्त इंजीनियर प्रिपरेशन को आगे को बढ़ाई चलती तो हमने देखे समस्त बुझी सर 250 इंपोर्टेंट आप एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को नहीं फास्ट कथ माइंड सर फिलिंग द ब्लैंक्स को क्वेश्चन उठी पे फास्ट मुझे क्लीयरली कह दूँ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आसो सहित वोकैब बेस्ड क्वेश्चन दुटाक मिसिकी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बने जमीक यार ग्रामर में कौन आसपा आर्टिकल होगा एडजेक्टिव होगा नाउन होगा प्रोनाउन होगा आपर होगा आपको जहाँ भी टेन्स रिलेटेड होगा सब तक चैप्टर आप फिलिंग द ब्लैंक्स को डील करके पलिए नेक्स्ट हो वोकैब्र वोकैब्रे मन रखिए ये आप मैक्सिमम जिन आप मैंने वोकैब सिमिलर वर्ड को लेकिन आउ आप जो एप्रोप्रिएट वर्ड कौन कहे एप्रोप्रिएट वर्ड जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बस पारे से रिलेटेड बहुत गुड़े क्वेश्चन उठी पे तो से टारगेट कर 250 एमसीक्यू करी एमने गोटे पार्ट कर मल्टीपल पार्ट कर टोटल 250 कंडक्ट करने ट्राए करेंगे मैक्सीम लगे सर 250 आपको हो देखो मुझ स्टार्टिंग मेनसन करेंगे आप जो जितने पाँच प्राक्ट करने यूट्यूब हो बहुत गुड़े टीचर पढ़ाऊँ समस्त कंटेट को पढ़ापे ट्राए करूँ जब से शिखापी पाँच बहुत भल कथ आगे बढ़े चलते 250 काम बनब कि नहीं आपको डिपेंड दयाकि मुझे तो कहि मैक्सिमम जिते पारे प्राक्ट करूँ 500 1000 2000 जो भी कंटेन्ट मिले बस प्राक्ट करूँ मुझ मो तरफ 250 प्रोवाइड करदेवि एमती ना ये 500 लिखीदे 1000 लिखीदेन जितकी मुझ पारि मो द्वारा पसबल करपर से मुझे मेनसन कर दीजिए स्टार्ट करा क्लास को आगे छोटी इनफर्मेशन दे दी जो मैं शुणार अच्छे शुणे अदर स्किप करके आप जाइए 2 मिनट मुझ कह भी टाइम वेस्ट हुए जमा भी आज चाहे मन किए मोर टेलीग्राम गोटे ब्याच अच्छे जोटी आप मन रखिए आप 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाइप बस देखिए भी आपको टेलीग्राम को वेट करूँ 10 आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाइप सहित डेली मुझ प्राक्ट क्वेश्चन करेंगे जमीन मुझे आप देखिए पड़ते फिलिंग द ब्लैंक्स टारगेट कर 250 और डेफिनेटली से भी मुझे प्रोवाइड करदेवि नियरली 300 कि 400 खंडे से मुझे प्रोवाइड करदेवि मल्टीपल क्विज सेक्शन में आप पाइए तार PDF सबुतक आप अवेलेबल था सिटी मन रखे कौन से मुझे वीडियो क्लास कराई ना सिटी आप इंग्लिश रो डेली 50 क्वेश्चन पाइबे ओडिया रो डेली 50 क्वेश्चन पाइबे कंप्यूटर भी डेली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर स्टैटिक पर भी डेली 50 क्वेश्चन पाइबे जहां पर आप प्रैक्टिस को इंक्रीज कर पारे एवं पर डे 200 एमसीक्यू चलते आप आगू जितने डेफिनेटली एग्जाम टाइम पाखे मुझे डेफिनेटली 300 एमसीक्यू टच करदेवि मैक्सिमम जिन पीला प्रोवाइड करने ट्राए करी सहित यूट्यूब में मोर सबुतक वीडियो क्लास आज कौन से आउ कौन से जगह वीडियो क्लासेस न थे ओके जदि जॉइन करने चाहते टेलीग्राम ग्रुप तो आप डेफिनेटली जॉइन करेंगे डायरेक्टली मन जो मैंने नुआ स्टूडेंट अच्छे 100 रुपीज अच्छे आप पे करके जॉइन करेंगे जो मैंने पुराने स्टूडेंट मोर कौन बैच रही थे एस होगा सीजिल होगा कि आप जूनियर एक्जिक्यूटिव असिस्टेंट होगा कि अन्य कौन बैच जॉइन करते ओनली 60 रुपीज अच्छे आप डायरेक्टली ए नंबर कौन से पेमेंट मेथड में पे करके मतलब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट देदेवे आपको ग्रुप लिंक प्रोवाइड करदे मन रखे एतिक जिन डेफिनेटली आप पाइबे आज पर्यटन जहाँ भी कंडक्ट करेंगे जिते भी एमसीक्यू कंडक्ट कराई सबुतक अवेलेबल अच्छे सबुतक पास आपको देखेदेवि इंटरेस्टेड अच्छे डेफिनेटली ए नंबर पे करके मतलब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट देदेवे बस मुझे ग्रुप देखे दीजिए बस आप देखिए देखो ये से ग्रुप रहा ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट अच्छे डेली देखी पड़ते मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए मॉक टेस्ट पिला अटेंड करके तार निज स्कोर भी कैसे हम ये मेंशन करके पिला पचारे पिला स्कोर भी ये मेंशन कर दे डेली मोर क्विज कंडक्ट कराए मॉर्निंग में मेंशन थे मुझे कौन टॉपिक ऊपर क्विज करी ईच एंड एवरीथिंग आप क्वेश्चन एमती अटेंड करेंगे बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे क्वेश्चन एट द एंड सबुतक PDF फाइल आपको मिल जाता सहित देखी पड़ते जून टू नहीं कर डिसेंबर गोटे आप देख पाते गोटे पूरा करेंट अफेयर टोटल 2200 एमसीक्यू मुझे देखिए यहाँ मोर निजर अच्छे तो आपको भी आपको चेक करेंगे मैंने भी पारे करंट अफेयर पूरा 7 मस मुझे 2200 एमसीक्यू ओके जो मैंने PDF पर चाहिए ओके डेफिनेटली आसला सबुतक देखो ये 90 फाइल अच्छे मैंने 90 PDF अच्छे ईच एंड एव्री PDF आप ओपन करके चेक करेंगे सब सब अवेलेबल थाए ओके आप जब भी जॉइन करते ये सबुतक PDF आपजे आप सबुतक टॉपिक वाइज PDF मेंशन कर मॉक टेस्ट भी सबुतक फाइल PDF फाइल अच्छी मॉक टेस्ट ऑलरेडी मुझे 5 प्रोवाइड कर दीजिए विथ सॉल्यूशन भी दे दीजिए बाकी देखी सारे सब जिन आप देखिए इंटरेस्टेड अच्छे जॉइन करेंगे एमती है सेल्फ प्रिपेरेशन सिलेक्शन हो पारे जब आप सेल्फ प्रिपेरेशन सफिशिएंट प्रैक्टिस कर पार्टी डेफिनेटली आप सिलेक्शन बनी पड़े तो बहुत गुड़े पिला किसी टाइम वेस्ट हो सारे जब कौन से डाउट रहा मतलब व्हाट्सएप में ये नंबर भी पचारे पारे स्टार्ट करा क्लास को 1 नंबर क्लास अच्छी और स्टार्टिंग रखुच्छे जो मैं मोर वीडियो स्पीड लगे दयाकर टी स्लो करके 0.75 से देखिपारे आज मानक स्लो लगे टी रिविजन फेज रो स्पीड करके देखिपारे ओके सरला 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे दयाकर 1 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राए कर मुझ सब क्वेश्चन कनसेप्ट को बुझाई ट्राए करी समस्त ट्राए करते ओके सी कहे क्वेश्चन को इफ आई हार्ड हेल्प हिम ओके जितने मुझे सेंटेंस पढ़ी इफ इफ गोटे कौन नॉर्मल गोटे कंडीशनल सेंटेंस कौन कहे गोटे कंडीशनल सेंटेंस स्टार्टिंग आम इफ कि अनलेस भी करेंगे देखिए पड़ते ये लिखा है हार्ड सहित भर्व थर्ड फॉर्म तो मैंने इफ क्लॉज में कौन लगी हार्ड सहित आपर्व कौ फॉर्म बस थर्ड फॉर्म बस तो डेफिनेटली आप जो सेकेंड क्लॉज रहा ये कौन बस समस्त माइंड में थी आप जो कंडीशनल सेंटेंस से तीन टाइप रहा है ओके ये आपको कौ टाइप जाती है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में जाए जमीक ये जब आप हार्ड सहित भर्व थर्ड फॉर्म लगेगा सेकेंड में कौन लगे मुझे कहीदेव डायरेक्टली मन रखा वुड लगे कथ लगे कौन कहली वुड सहित
would ta sedo mon rakhbe apan ko have ta sedo verb third form tie basaibe mon rakhbe ye conditional sentence ro type 3 to ame option ko eliminate kariba eti to already past ho chi kon kali eti to already past ho chi will to hobara chances ne aku ame kati deba second ko jiba would not be okay eti would not be lagibara kon chances re eti be lagibo nai kon lagibo have lagibo mo already apan ko chi conditional sentence ye tini type ro ye apan third conditional sentence jo mane padhi chanti definitely jani deitibe next ho chi would have mon rakhbe have pore हाव हेगला त से तो हार्ड हेगला त से तो हार्ड हेगला ए तीनटा के परे भर्ब सब बेले को फॉर्म बसे थर्ड फॉर्म बसे सेति पे भर्ब थर्ड फॉर्म टे बसी छि तो ऑप्शन ओनली डी करेक्ट हो बाकी कोनोसी करेक्ट हो ही नै आशा कर छि बुझि गेले एक नंबर जति कि पारलियर बेसिक रे बुझिया पय ट्राई करली मन किबे सब तो क्वेश्चन बेसिक रे अछि बिकॉज़ अपन जानिथिबे ओडिसा पुलिस कांस्टेबल अपन को बेसिक लेवल बहुत बडे क्वेश्चन छुटि दुई नंबर क्वेश्चन अछि आंसर दा पय ट्राई करन ये अपन को क्वेश्चन टैग रो क्वेश्चन बने को गेली अपन क्वेश्चन टैग रो क्वेश्चन बने आराम से भाबी आंसर दियंतु समस्त ट्राई करदे क्वेश्चन को पढ़ा सी कह द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव ओके आपको हमें क्वेश्चन टैग रे कन्वर्ट करया छे ओके फर्स्ट क्वेश्चन टैग जितले हम पढ़ले वाज नॉट इट क्वेश्चन टैग रो रूल कहू छी जदि ए सेंटेंसटा कोन कहली जदि ए सेंटेंसटा पॉजिटिव रे अछि कोन कहली जदि ए सेंटेंसटा पॉजिटिव रे अछि अपन जो क्वेश्चन टैग बनिबो से कोथरे बनिबो नेगेटिव रे बनिबो पॉजिटिव रे माने सेथि कोनोसी नॉट नो नोबडी एमति वर्ड नथिबो जदि सेंटेंसटा नेगेटिव रे अछि अपन जो रहिला क्वेश्चन टैगटा सेटा पॉजिटिव रे बनिबो कोथरे बनिबे पॉजिटिव रे बनिबो सेंटेंस जितने पढ़ी एटे देखिए नॉट पाइल नॉट गोटे को नेगेटिव वर्ड मुझे ऑलरेडी कही कौन नॉटा गोटे आपको नेगेटिव वर्ड जदि नॉटा नेगेटिव वर्ड आप जो बनब आपर कौन क्वेश्चन टैग से कौन बनब पॉजिटिव रे बनिया कथा बनब तो ऑप्शन ए हाँ यार ऑप्शन ए तो पॉजिटिव रे अच्छी आउ गोटे कथा मन रखिए जितने क्वेश्चन टैग आसे हेल्पिंग वर्ड जहाँ थे कौन कह आप हेल्पिंग वर्ड वाज गोटे हेल्पिंग वर्ड तो जितेबले आपर आप बनाऊँ क्वेश्चन टैग्रे हेल्पिंग वर्ड को उठे धरिक पड़े आसेंगे ये आप वाज थे हेल्पिंग वर्ड ताको पिक करदे ओके आप प्रोनाउन को बसापी ट्राए करेंगे द होटेल प्रोनाउन कौन बनब इट ही बनब ना आउ तो यार किसी बनबे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हम ऑप्शन आपर बी कौन है ये नेगेटिव कौट आसला मुझे आपको जो रहा क्वेश्चन टैग जदि ये जो फास्ट सेन्टेन्सटा ऑलरेडी नेगेटिव रे अच्छी क्वेश्चन टैग आपको कौन पॉजिटिव रे आसो जोटा कि आप ओनली इट रहिबो ओके थर्ड तो इज लगे इज कौन लगे ये वाज थी आपको कौन थी हेल्पिंग वर्ड था तो ऑप्शन सी भी कटिगला बी भी कटिगला नेक्स्ट होची इज नॉट इज तो आसीबनी नॉट कौन पाई एठी भी बसिबो आसे करची बुझिगले समस्ते दुई नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर हेबो नेक्स्ट जीवा तीन नंबर क्वेश्चन अच्छी तीन नंबर क्वेश्चन आंसर दबा पाई ट्राई करू ट्राई क्लास में क्वेश्चन पढ़ा से कहते द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग ओके एंड रियान टू स्विच ऑफ द ओवन ये मुझे सेंटेंस पढ़ी एटा कौन लिखा है को टेन्स सेंटेंस अच्छी समस्त यार सर्ट आउट कर सारे ये रियान लिखाई है मैंने रन सेकेंड फॉर्म लिखा है जब रन आप सेकेंड फॉर्म लिखा है ये सेंटेंस कौन पड़ेगा पास्ट रे गला जदि आपर ये सेंटेंस पास्ट अच्छी तो डेफिनेटली ये भी आपको थी पास्ट थी प्रेजेंट केबे भी हम तो आम स्मेल तो लगे पारे स्मेलटा आप सिंपल प्रेजेंट रे लगी पारि था ऑप्शन बी भी लगे स्मेल्स भी लगे बिकज ए भी आप कौन जाऊँच सिंपल प्रेजेंट रे जाऊँ ऑप्शन सी हूँ स्मेल्ट भर्ब सेकेंड फॉर्म तो डेफिनेट आम ये पास्ट को यूज कर पार्बा तीन नंबर ऑप्शन आपर सी राइट आंसर हम ये जीरोड बस जीरोड मैंने भर्ब आईएनजी फॉर्म ये बस ना तीन नंबर समस्त ऑप्शन सी को चूज कर देते तो नेक्स्ट जी चार नंबर क्वेश्चन को देखिए चार नंबर क्वेश्चन आंसर दबा ट्राई कर समस्त ट्राई करते थोड़े क्वेश्चन को पढ़ा सी कहते द डैश ओयर ओके आरेस्टेड ओके देखी पार्टी द डैश ओयर आरेस्टेड मैंने पैसिव अच्छे ठीक अच्छे फॉर इल्लीगली हंटिंग द बियर्स तो डेफिनेटली आसगला कौन वोकैबुलरी पड़े आसा कौन कहे वोकैब पड़े आसा तो ये लगे पड़ो ओके तो फास्ट हूँ रेंजर्स नो सोल्जर्स नो भिलेजर्स नो आपको पोचर्स जो मैंने यार आप शिकार करते कौन कहे शिकार करते कौन कहे पोचर्स भी कहे तो डेफिनेट चार नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जो मानकर वोकैब स्किल ठीक ठाक अच्छे ये सब इजी लेवल क्वेश्चन को अटेंड करके जाए चार नंबर सला पांच नंबर क्वेश्चन देखिए पांच नंबर क्वेश्चन आंसर दबा ट्राई कर समस्त ट्राई करते सी कहते डैश सी इज क्लेवर जदि से क्लेवर सेंटेंस बुझीगले ना कौन कहे जदि से क्लेवर आसगला ये आपर माइंड में आसगला से ऑप्टेन मेक मिस्टेक जदि से क्लेवर से बट से कौन कैर सब आपर मिस्टेक कैर जदि से डेस्पाइट लगे ना ओके सीन्स लगे पारे आप लगे अल दि अल दो जदि से क्लेवर से कौन सी ऑप्टेन मेक मिस्टेक ये सेन्स लगे पारे तो पांच नंबर ओनली आपर ऑप्शन सी राइट आंसर हो आशा कर चूज कर देते हैं बेस किसी बुझा दरकार ना ना जी छः नंबर क्वेश्चन अच्छी छः नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राई करते हैं समस्त ट्राई कले क्वेश्चन पढ़िया से कहते मेनी पीपल रिपोर्टेड बहुत गुड़े लोक कौन कले रिपोर्ट कले आगे जितने सेन्टेन्स पढ़ा छः नंबर आप देखिपर रिपोर्टेड टू हियर ओके ठीक अच्छे आगे पढ़ा रिपोर्टेड टू हियर ए नोटिस इन द नाइट तो ऑलरेडी रिपोर्ट से कौन कहे ऑलरेडी से रिपोर्ट कर सारी
ତ ଟୁ ହିଅର୍ ଏଠି ଲାଗିବନି। ଓକେ ଅଲରେଡି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ହାଭିଂ ହିଅର୍ ତ ଲାଗିବନି। ମେନି ପିପୁଲ ରିପୋର୍ଟେଡ ଟୁ ହାଭ୍ ହିଅର୍ଡ଼। କ'ଣ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟେଡ ଟୁ ହାଭ୍ ହିଅର୍ଡ଼ ଏ ନୋଟିସ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍। ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୌଣସି ଏଠି ସେନ୍ସ ହିଁ ଦେଉନି। ତ ଛଅ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଟିକେ ଟିପିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ବଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛଅ ନମ୍ବର ଥିଲା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼ ତା ମାନେ ମୋ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଏବେ ଏଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି। ଲେଟସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଡେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଠି ଆପଣ କଲ୍ ଇଟ୍ ଦେଇଛି କଲ୍ ଆଟ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ ଇନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ସବୁତକ କାମ ସାର ଦେଇଛି। ପ୍ରିପୋଜିସନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆଉ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଜଣାଥିବ ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଆନ୍ସର ଆପଣ କ'ଣ ହବ ମନେ ରଖିବେ କଲ୍ ଇଟ୍ ହବ। କ'ଣ କହିଲି କଲ୍ ଇଟ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଛି କଲ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଆଟ୍ ଦ ଡେ ଏଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ସାରିକି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଘରକୁ ଯିବେ କି ଆପଣ କାମ ସାରିକି ବେଡ୍କୁ ଯିବେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ କଲ୍ ଇଟ୍ ଲାଗେ। କ'ଣ କହିଲି କଲ୍ ଇଟ୍ ଲାଗେ ଯାଇକରି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା କି ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯେମିତି ଇନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲାଗେ ଆକର୍ଡିଂ ସହିତ ଯେମିତି ଟୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଗ୍ରି ସହିତ ଆଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ଏଗ୍ରି ସହିତ ୱିଥ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିକି ଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଦେହରୁ ବନିବ। ତ କଲ୍ ଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁତକ କାମକୁ ସେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଆପରେ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଲେଟ୍ସ କଲ୍ ଇଟ୍ ଏ ଡେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ସାତ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେଇଛି ଆପଣ ସେମାନେ। ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଜି ଅଛି ବଟ୍ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଜମା ବି ଏଠି ହେବେନି। ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ସେ କହୁଛି ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ୍ ଓକେ ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ। ଡେଫିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଗୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ କହିବେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ମାନେ ଅଧିକ ସେନ୍ସରେ ଏଠି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାଜ୍ ଓକେ ଭେରି ଭେରି ମାନେ ଭଲ ସେନ୍ସ ନା ଅଧିକ ଭଲ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଠୁ ଗୁଡ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା। କ'ଣ କହିଲେ ଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଗୁଡ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍। କ'ଣ କହିଲି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ବ କହିବା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ଠୁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଭଳିଆ ଏଠି କାମ କରିବ। କ'ଣ କହିଲି ଆଡ଼ଭର୍ବ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ତ ଠୁକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଠୁ ଲାଗିଛି ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ସେନ୍ସରେ ଏଠି ଠୁ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲି ଅଧିକ ସେନ୍ସରେ ଏଠି ଆପଣ ଠୁ ଲାଗିବ। ଆଠ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେଇଯିବା। ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଓକେ ସେ କହୁଛି ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁ ହିଅର୍ ଦ ଓକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଓକେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କୋକ୍ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅପ୍ସନ୍କୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହିଅର୍ ଅଛି ମାନେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ କୌଣସି ଫର୍ମ ନାହିଁ। ହା ପରେ ତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସେ ଏଠି ୟୁ ବସ୍ତ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ହାର୍କୁ ବସେଇବି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଇଏ ଭର୍ବ କେଉଁ ଫର୍ମ ହବାର ଥିଲା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ଫର୍ମ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ତ ଏଇଟା ତ ବସିପାରିବନି କେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ହାସ୍ ତ ଲାଗିବନି ବିକଜ୍ ହାସ୍ ପରେ ବି ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସେ ହାର୍ଡ଼ ପରେ ବି ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଆସେ ତ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବି ଓନ୍ଲି ଅପରଚୁନିଟି କାହା ପାଇଁ ଥିଲା ଡି ପାଇଁ ଥିଲା ବିକଜ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ହିଅର୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତମେ ଶୁଣିଛ କି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବଟ୍ ଡିଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ବିକଜ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମଟିଏ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ନଅ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସମସ୍ତେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ। ନେଇଯିବା ଆପଣ ସେ ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା ସେ କହୁଛି ସି ହାଜ୍ ଓନ୍ଲି ତା ପାଖରେ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଫିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଲେସ୍ ଲାଗିବନି ଲେସ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲାଗେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଲଗେଇବା। କ'ଣ କହିଲେ ଲେସ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ରେ ଲାଗେ ମୋର ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋରର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଓକେ ଏଠି ଫିଓର ନହେଲେ ଏ ଫ୍ୟୁ ଏ ଫ୍ୟୁ ଏଠି ଲାଗିବ ଫିଓର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଏ ଫ୍ୟୁ ଏ ଫ୍ୟୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଡିନୋଟ୍ କରେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍କୁ ଡିନୋଟ୍ କରେ ତାପରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ସମ୍ ଏ ଫ୍ୟୁର ମତଲବ ତା ପାଖରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ସମ୍ କେସ୍ରେ କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆପଣ ଫ୍ୟୁକୁ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିଗଲେ ଏ ଫ୍ୟୁ ଦ ଫ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ଏ ତିନିଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଥର ଆପଣ କହିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ଟୋଟାଲ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ଟା ପିଲା କ'ଣ କହିଲେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ଟା ପିଲା ଯଦି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଛଅଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ପାଞ୍ଚଟା କି ଛଅଟା ପିଲା ଧନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାଳିଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷାଠିଏ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏ ଫ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ରୁ 90% ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ ଫ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦଶ ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ସେମାନେ ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ୱି ଶାଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏ ପିକ୍ନିକ୍ ଓକେ ଆମେ ପିକ୍ନିକ୍କୁ ଯିବା ଇଫ୍ ଦ ୱେଦର ଓକେ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ୱେଦର ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଙ୍ଗୁ ଆସ ସାର୍ ହାବିନ୍ ଲଗେଇଦେବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପରଫେକ୍ଟର କୌଣସି ଇଏ ସେନ୍ସ ନୁହଁ। ଶାଲ୍ କଥା କହିଛି ଶାଲ୍ କଥା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଓକେ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଆଗଟା ଫ୍ୟୁଚର ବସିବେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେ ବସିବ
मन रखिए सिंपल फ्यूचर पॉसिबल। जदि फास्ट सेंटेंसटा सिंपल फ्यूचर है तो आर एटा नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट आसो एटा मैक्सिमम केस रे कौन कहे यहाँ आप मैक्सिमम केस रे ए जिनसटा बने जदि गोटे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट अच्छे आर एटा आप सिंपल फ्यूचर आसवर चांसेस अच्छे जदि फ्यूचर कौन से सेंटेंस अच्छे से ओनली सिंपल फ्यूचर नहीं जीव आउटे कथ जदि सिंपल फ्यूचर अच्छी सेकेंड आप सिंपल प्रेजेंट डेफिनेटली आर बनवा कथ बन ओके तो ये आपको वास्ट के बस वास्ट आप गोटे पास्ट वार्ड तो डेफिनेटली इज बसापी पड़ो एवं माइंड में कन्फ्यूजन सर जदि इज अच्छी इज पर भर आई एन जी फर्म काईटा तो काढ़ मत कहूँ ओके फास्ट कथ कौन मन रखे इजटा भी गोटे आपको सिंपल प्रेजेंट रे यूज कर कौन कहे इजटा भी गोटे सिंपल प्रेजेंट रे यूज कर ठीक अच्छे आपको कन्फ्यूज कर आई हाव ए पेन एटा कौन गोटे परफेक्ट सेंटेंस कि जमा भी नुह एटा भी आपको कौन गोटे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हाफ लागला बेल नाई जीटा परफेक्ट बनीज परफेक्ट बनवाई भर्व थर्ड फॉर्म टे दरकार कौन कहे भर्व थर्ड फॉर्म टे दरकार मो कथा समस्त बुझे ये आप प्रेजेंट सेंटेंस रोक एगार नंबर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर रहा नहीं आप बार नंबर क्वेश्चन अच्छे बार नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राई करते समस्त ट्राइ कल थोड़े क्वेश्चन को पढ़ा बुझे ट्राइ करना आप कौन कहे जॉन मस्ट हैव डैश टू के टू स्टिक टू हिज डाइट तो जॉन जॉन को कौन दबार अच्छे तार स्ट्रिक मैंने बहुत सीरीयसली से डाइट को दबार अच्छे ओके इफ ही वांट टू लूज द वेट तो जदि से मैंने वेट को लूज करने चाहिए कौन दबार अच्छे डिटर्मिनेसन दबार अच्छे मैंने से फोकस्ड रहा है जोटा कि सीरीयस कौन से मतलब ना डिसीजन नुह ओब्लिगेशन नुह आप डिटर्मिनेसन कौन कहे डिटर्मिनेसन से प्रतबंधक हवा दरकार बिकज ताको से वेट को कौन कराया लूज कराया ओके डाइट प्लान को मेन्टेन कराया तो आमको लगे अच्छे डिटर्मिनेसन लगे आठ कौन से वार्ड सुइटेबल बसुन बार नंबर भी समस्त बी को पिक कर दे देखो आप तेरह नंबर क्वेश्चन अच्छे तेरह नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राइ कर समस्त ट्राइ कले ओके क्वेश्चन पढ़ा से कहते आप सम एनिमल्स हैव यूनिक मैंने किसी एनिमल कौन अच्छी यूनिक किसी आपड़े यूनिक जिनस थी डैश दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन ए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन डेफिनेटली आपड़ा जमी गोटे एक्जाम्पल नहीं जी कोल्ड वेदर किए रही पड़े पेंगुइन धरने रहीगला ओके सेमती आपरेंगे आप हॉट वेदर किए रही पड़े ओटो कैमेल आपर डेफिनेटली दु जन डिफरेंस कौन थी दु जन जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने से गुण में डेफिनेटली डिफरेंस कथ थी तो ऑप्शन ए मारे जा प्रोब्लेम नुह फिलिंग्स थे किसी मतलब नहीं से कंडीशन से नुह आप कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कहते दु जन कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली किसी ना किसी डिफरेंस थी तो ऑप्शन ए को मारे जाटा नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आई थिंक समस्त आंसर भी देखिए पड़े थे तीन नंबर सर नहीं जा चौदह नंबर क्वेश्चन अच्छे चौदह नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई करते ट्राई कर समझे सी डीड द बॉयज टर्न डैश द फुटबॉल प्रैक्टिस तो डेफिनेटली ओके डीड द बॉयज डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस मन कहे टर्न सहित ये अन् लगे देवे ना ये कौन से मोबाइल मैंने कौन से डिवाइस को सी अन् करनी टर्न बैक किसी ना टर्न इन हो मन कहे चौदह नंबर आप ऑप्शन ए राइट आंसर रहा टर्न ऑफ मैंने स्टार्ट करा कथ सी कौन कहे आप स्टार्ट करा कथ कहते डीड द बॉयज से स्टार्ट कर सारे कि फुटबॉल प्रैक्टिस से ही सेन्स में लगे पार्बा टर्न सहित ऑफ लगे जमा भी आर अन् लगे देवे अन् मैंने कौन गोटे डिवाइस को नॉर्मली अन् करा आम यूज करूँ रिमोट को आम नॉर्मली से सेन्स यूज करूँ ओके चौदह नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर रहा आशा कर बुझीगले नहीं चाहिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन अच्छे पंद्रह नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रिपोजिशन बसार अच्छे ट्राए करते बसिया ट्राए कले ओके सी कहते द फायर मैन मैनेज टू पुट डैश द फायर तो डेफिनेटली पुट सहित कोई प्रिपोजिशन लगे जोटा कि आपको फायर टाक लिभेबारे यूज करेंगे कौन कहे आप फायर टाक लिभेबारे यूज करेंगे फास्ट कहते पंद्रह नंबर आप आए हमें मैंने दूरे की सेन्स जमा लगे ओके पुट डाउन नुह ओके पुट आउट कौन कहे आप पुट आउट द फायर पुट अफ लगे सेपारेसन सेन्स में अफ लगे बट ये आप पुट आउट लगे पुट आउट मैंने कौन होगा से टोटाल बर्नटा को लिभेबारे से ट्राए कर से सेन्स में आम लगे पार्बा मैंने पुट आउट लगे पार्बे आशा कर बुझे आ लगे भी देखिए एमती किसी प्रोब्लेम नुए मैंने तो दूर से यह भाई सेन्स सब आप वार्ड सब अलरेडी पढ़ी थे षोह नंबर मन रखिए आप ऑप्शन कौटे राइट आंसर सी राइट आंसर बुझीगले सॉरी पंद्रह नंबर सी राइट आंसर नहीं जाए षोह नंबर क्वेश्चन अच्छे षोह नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राइ करते आई थिंक प्रोनाउन उपर क्वेश्चन अच्छे आराम से भाई आंसर दे दिखाँ ट्राइ कले समस्त क्वेश्चन पढ़ा से कहते आज द बेयर माउंटेन ओके टर्न ग्रीन आप जो बेयर माउंटेन थी को कलर कनवर्ट हो ग्रीन में कनवर्ट हो ओके डेफिनेटली पूरा गच्छ फुल द पीपल फाउंड डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग तो डेफिनेटली पीपल कौन कर पीपल फाउंड लोक मैंने पाइले निजक लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग लगे पार्बा निजक मैंने कौन ये आप रिप्लेसिव प्रोनाउन आसो कौन कहे रिप्लेसिव प्रोनाउन आसो दे तो लगे देम तो लगे दे आर लगे देमसेल्फ लगे कौन कहते देमसेल्फ देमसेल्फा कौन ये आप रिप्लेसिव प्रोनाउन आसगला द पीपल फाउंड से पाइले लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग ओके से पाइले देमसेल्फ लगे पार्बा तो ऑप्शन षोह नंबर आपको डी राइट आंसर रहा आशा करते समस्त चूज कर देते नहीं जी आप सत नंबर क्वेश्चन अच्छे सत नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई करते सी शोज ग्रेट आबिलिटी ओके आबिलिटी सहित कौन लगे प्रिपोजिशन मैथ ये अच्छे ये कौन से गोटे सब्जेक्ट अच्छे कौन कहे सब्जेक्ट मैंने ये स्किल को पलि आसा कौन कहे ये आप स्किल को फोकस कर
ability सहित कौन लगे मन थे ability सहित इन लगे ability इन कौन को शो करे ability इन आप स्किल को शो करे आउ थे मो सहित रिकॉल करते ability सहित इन को लगे से कौन शो कर निज स्किल तार मैथ रहा कार फिजिक्स थी कार रिजनिंग थी कार जीएस थी आबिलिट सहित इन लगे आबिलिट सहित आर्ट नुह फर नुह एबाउट नुह ओके आप लगे इन लगे जो थे आप स्किल थी से लगे पार्बा आबिलिट सहित इन बुझीगले समस्त सत नंबर सर नहीं जाए सर अठा नंबर क्वेश्चन अच्छे अठा नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राई कर दिया ट्राई कर समस्त सीखो मे आई गिव यू डैश एडवाइस जो मैंने लगे थे रेगुलर बेसिस रीडिंग स्किल थी लगे तो पढ़े थे मे आई गिव यू सम एडवाइस फास्ट कथा सम कौन लगेगा ये आन कौन लगे ना लिटिल कौन लगे ना वन कौन लगे फास्ट कथ हूँ एडवाइस एडवाइस मन के अनकाउंटेबल नो कौन कहे एडवाइस के गणी पारे ये आप कहला अनकाउंटेबल नो दुनिया देखते किसी लोक आसते आपको शहेटा खंडे एडवाइस देखिए पलिथे मैंने ये गाउंड किसी कर जाए एडवाइस को ओके डेफिनेटली ये कह अनकाउंटेबल नो आन तो बस पारे अनकाउंटेबल नाउन आसा मैंने आप वाटर पूर्व के लगे कि आन लगे जमा भी आ लगे ना सरगला कथ ऑप्शन ए कटिगला लिटिल लगे ना लिटिल सेन्स आप बुझीपे ये सम आप लगे बिकज सम आप अनकाउंटेबल भी लगे तो अठा नंबर मन रखे बी रईट आंसर है समस्त बुझीगले एवं जी आम उन्नीस नंबर क्वेश्चन को उन्नीस नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राए कर ट्राए कले कहते द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग तो गोटे जिन कंटिन्यूअसली बहुत टाइम है कौन बाजुच कौन कहली कंटिन्यूअसली बाजुच तो आम लगे पार्बा ओके अफ तो केवे लगे अफ मानते आप जानते बंद सेन्सर में नर्माल लगे पार्बा ओके अफ तो केवे लगे तो लगे कौटा चान्सेस ओके केप्ट ऑन कौन कहली केप्ट ऑन मानते कंटिन्यूअसली रिंगिंग कौन कहली कंटिन्यूअसली कि जिन प्रोसेस चली आम लगे पार्बा केप्ट ऑन केप्ट ऑन प्रैक्टिस ओके आप प्रैक्टिस केप्ट ऑन प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कंटिन्यूटी हिसाब से बनई चलते डेफिनेटली आप सिलेक्शन चान्सेस बन रिंगिंग बट नो वन नो वन अटेंड सरगला उड़ेस कौटा रही है ऑप्शन आपको बी राइट आंसर रही है आशा करते समस्त बुझीगले नहीं आप कोड़े नंबर क्वेश्चन अच्छे कोड़े नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई कर ट्राए कले कहे सी सी इज सैड से बहुत ही सैड अच्छे कौन से बहुत सैड अच्छे बिकज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट ता मैंने सी गोटे प्रपोजाल नहीं जाइए कौन गोटे प्रपोजाल नहीं जाइए तो डेफिनेटली टर्न ता बापा कौन कले सैड अच्छे मैंने कौन ता बापा डेफिनेटली जो प्रपोजाल आक्सेप्ट तो केवे भी करना कौन कहे आक्सेप्ट तो केवे भी करना मैंने सी कौन कर टर्न डाउन कौन कहे टर्न डाउन ता मैंने से रिजेक्ट करदे ओके रिजेक्ट करदे से लगे पार्बा टर्न अफ तो केवे लगे अफ नो आउट नो टर्न डाउन कहते मैंने से आक्सेप्ट कले रिजेक्ट करदे से लगे पार्बा टर्न डाउन लगे पार्बा कोड़े नंबर ऑप्शन डी राइट आंसर है आशा कर चूज कर देखिए कोड़े नंबर सला नहीं जा एक नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई कर बहुत बढ़िया सेंटेंस अच्छे ये डेफिनेटली किसी किसी पे अच्छे फसी जाइपारे ट्राई कले ओके सी कहे द गवर्नमेंट मस्ट गवर्नमेंट को कौन करार अच्छे डैश अलाउ रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी तो मैंने गवर्नमेंट जो आप रिसोर्स अच्छे यूटिलाइज करार अच्छे कौन कहे यूटिलाइज करार अच्छे से रिसोर्स मान डेफिनेटली कौन लगे कलेक्ट संग्रह करवा ना ओके गैदर करवा ना मस्टर करवा ना हार्नेस करवा हार्नेस मैंने कौन मैंने कौन कर यूटिलाइज करा कौन कहे प्रॉपर वे यूटिलाइज करा सेन्स आम लगे पार्बा हार्नेस कौन कहे हार्नेस भी लगे जाए टिके यार वोकैबुलरी स्किल को बिल्ड करेंगे बिकज वोकैबुलरी क्वेश्चन बनी पारे ओके जब वर्ब र मीनिंग न जानते हैं सेठी भी आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ो एक नंबर मन रखिए ऑप्शन आपको डी राइट आंसर रही है आशा कर चूज कर देखिए नहीं जा 22 नंबर क्वेश्चन अच्छी 22 नंबर क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया वार्ड अच्छे देखिए कितने बेला आंसर दे पार्छ यार ट्राइ कल ओके ठीक अच्छे मुझे आपको क्वेश्चन को बुझाई चेस्ट करेंगे 22 नंबर आप आंसर कौन रईट आंसर रही फास्ट कथ हूँ गार्ल्स जेनराली डैश इन देयर मदर ओके तो गार्ल्स मैंने कौन करते जेनराली ओके कॉन्फिडेंशियल इशू मारे कॉन्फिडेंस मारे ओके गार्ल्स मैंने कॉन्फिडेंस था मदर पर सेमती तार किसी मीनिंग भी नुह कौन कह तार मीनिंग भी नुह ओके कन्फाइड ओके फास्ट कथ बुझाई पड़ेगा जो मैंने कन्फाइड र मीनिंग जानते तो डेफिनेट से कहीदे गार्ल्स मैंने कौन करते कन्फाइड मैंने जहाँ भी आपको थाए गार्ल्स मैंने कहते निज मदर मानक कहते जहाँ भी सिक्रेट थाए कौन कहते जहाँ भी सिक्रेट थाए तो कन्फाइड मैंने हूँ से आप कौन से सिक्रेट जिनस कहे जब निज मदर को सेन्स में कन्फाइड लगे कन्फिडेंट रि मीनिंग किसी ना कन्फिडेन्स भी किसी ना कन्फिडेंटाल भी ये किसी कम दबनी ये सब कन्फिडेंस मैंने कौन निजर यार जो एबिलिटी कन्फिडेंस मैंने कौन मैंने कि जिस आप कन्फिडेंस सहित कर से जिन विषय में बहुत भलसे जानते सेमती किसी न कन्फाइड कन्फाइड मैंने कौन किसी सिक्रेट आप कहवा से सेन्स में कौन लगे पार्बा कन्फाइड को लगे पार्बा बुझीगले टे ट्रिकी क्वेश्चन था बट किसी वरीड दरकार जिन बुझी बुझी चलते 22 नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर है नहीं जा 23 नंबर क्वेश्चन अच्छे 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया अच्छी देखिए कितने पिला आंसर दे पार्टी मुझे जानी यार ये दुटा भितर कन्फ्यूजन बनवा कथ बन मन रखिए स्पेलींग भी टे फोकस करते कौन कहे स्पेलींग को भी फोकस करते बिकज स्पेलींग जब भूल है गला सरगला ओके Children, okay, below the age of 14, okay, should be
चिल्ड्रेन बिलो सॉरी ब्लो नुह चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ओके शुड बी डैश सेंट टू स्कूल डेफिनेटली 14 वर्ष तलू जो मैं स्कूल को पठार अच्छे ओके कंपेल तो हमें कंपलसरी जमा भी से ओके फास्ट कथ गए सेंट इटे आप कौन पाइले सेंट सेंट गोटे भर भर को जी क्वाफाइ कर नर्माल कौन कहेंगे आडभर कहवा एति तो समस्त जना थी ये आडभर कौन बस डेफिनेट यार आप कंपलसरी बस कंपलसरी बस तो कंपलसरी स्पेलींग आई आई एल वाई आप ना इएल वाई मन रखे इएल वाई जमा भी नुह आई एल वाई कंपलसरी स्पेलींग एमती आपको टी मन रखे स्पेलींग भी क्वेश्चन आसपे आप डिल करें पड़ो तो 23 ऑप्शन डी राइट आंसर रही है जो मैंने पिक करते बहुत बढ़िया कथा कंपलसरी स्पेलींग जानते डेफिनेटली क्वेश्चन मिस्टेक हमें 23 सला नहीं जाए आप 24 नंबर क्वेश्चन अच्छी 24 नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई करते ये भी गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छी छोट छोट जिन आप ट्रिकी कर ट्राई कर सी कहे द पुलिस अफिसर ए डैश फर इनफर्मेसन अबाउट द स्टोलेन मन हुए जो पुलिस अफिसर कौन कले आप डैश ए फर इनफर्मेसन जी इनफर्मेसन दब जो स्टोलेन मनीर सी डेफिनेटली कौन देते रिवार्ड देते ना अवार्ड देते ना प्रॉफिट देते ना प्राइज देते फास्ट कथ ये स्कूल नुह कौन प्राइज डिस्ट्रब्यूट होती ओके प्रॉफिट तो सेमती कौन से लगे ना पुलिस पाइल तादर किसी प्रॉफिट शेयर परसेंट दब से जो नुह अवार्ड भी इटे दिजन ओके ये आप रिवार्ड रिवार्ड मैंने कौन कौन मनी कौन कहे कौन मनी आकार दिगला आम कौन कह नर्माली रिवार्ड बोली कहुए बुझे समस्त 24 ऑप्शन ए राइट आंसर दयाक ये क्वेश्चन को एमती डिल करने पड़ो टे भोकैब नलेज भी दरकार 24 सला नहीं जा 25 नंबर क्वेश्चन अच्छी 25 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राई कर समस्त ट्राए कले सी कहे आई डैश हर्ड द एस्टाब्लीश द वैलिडिटी ऑफ द मनी सिंस मॉर्निंग माने सकाळु ए पर्यंत कोन कहे द थ्योरी सिंस मॉर्निंग ता माने थ्योरी विषय से सकाळु ए पर्यंत कंटीन्यूअसली बेसिस रे कोन चलछे से माने वैलिडिटी करूछु ठीक अछि आमे फास्ट लगे ये आप टेन्स को पलिब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोन कहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पलिब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोन लगे मन रखे हाव लगे आउ थे कहे हाफ लगे सहित भर्व आप हाफ सहित सरी हाफ सहित बीन लगे बीन पर भर्व आपको फर्म लगे आई एन जी फर्म लगे कौन कहे आई एन जी फर्म लगे तो लगे ट्राई करूँ ना तो ये तो हमें ये तो हमें आम ट्रेन प्रेजेंटर कंटिन्यूस क्या नुह बिकज से सका एपर्यंत देखिए आस मैंने करसी मैंने भैलीडेट कर थीओरी को ओके तो डेफिनेटली हाफ बीन ट्राइंग लगे आई हाफ बीन ट्राइंग अप्सन ए ही हम जो मैंने ए को पिक करते बहुत बढ़िया कथ 25 ए रईट आंसर हम नहीं जा 26 नंबर क्वेश्चन अच्छी 26 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छी आंसर देखें ट्राई करूँ ओके ये मैक्सीम पे कन्फ्यूज ए दुटा भितर हम आसाइड तो मारे नेक्स्ट भी मारे सचिन वाज स्टैंडिंग डैश टू मी सचिन जी अच्छे से स्टैंड करता मो आपको साइड मैंने मो पाखे मन रखे बिस साइड और बी साइड्स भितर डिफरेन्स अच्छे फास्ट होती बी साइड मैंने कौन जी आप बस आपंग बस तो मैंने पाखे बस कौन कहे पाखे मैंने साइड में बस आम लगे बी साइड लगे बी साइड्स मैंने कौन मुझे कहि मो खेली भी पारे सहित डांस भी करें कौन कहे मुझे खेली भी पारे सहित डांस करें मुझे आई एम प्लेइंग बी साइड्स आई एम कौन बी साइड मुझे कहे डांसिंग करें ओके प्लेइंग आउ डांस मैंने दुटा जिनस दुटा जिनस आवेलेबल अच्छे से जगह आप बीट साइड्स लगे पारे जदि आप साइड में किए बस आम कौन लगे बी साइड लगे टिके यार एस कि आप नो एस को टिके यार भलसे फोकस करें एस कि नो एस मान हूँ ये एस बसी ये एस बसी जो बसी मैंने एक्सट्रा किसी अच्छी कौन कहे एक्सट्रा किसी अच्छी जो बसी मैंने आप साइड रे किए बस से ही सेन्सर लगे जापर मो क्या मन रहा जो एस लगी मैंने एक्सट्रा किसी अच्छी जोटा कि आप इनआडिशन को बुझाए बुझे 26 आपटा रही है राइट आंसर सी रही है बिकज ता साइड से स्टैंड कर 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राई करेंगे मन रखे एभला क्वेश्चन से आप फास्ट बुझाप पड़ो ये माइ सिस्टर एंड डैश आर प्लीज टू आक्सेप्ट योर इनविटेशन ओके तो मो सिस्टर आउ मी मु तो ये आप सब्जेक्टिव केस आस कौन कहे ये आप सब्जेक्टिव केस आस ऑब्जेक्टिव केस आसबी तो मी कौटी आसला रिप्लेसिप्टर तो चांसेस ही नहीं तो माइ सेल्फ काटिद आई माइ सेल्फ भी काटिद जो जितने मुझे प्रोनाउन क्लास कराई से बुझे 3-2-1 कौन 1-2-3 कौन यही अकॉर्डिंग आप अरेंज करने पड़ो सब तक जाइए प्ले लिस्ट देखी भी पारे ओके बुझे तो डेफिनेटली माइ सिस्टर सहित टी आई लगे कौन कहे आई लगे जमा भी आउ किसी मारे ना 27 ऑप्शन ए राइट आंसर है बुझे समस्त नहीं जी आप 28 नंबर क्वेश्चन अच्छी 28 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राए कर ओके द प्रिंसिपल कॉल्ड कॉल्ड ऑन नुह कॉल्ड ऑन नुह ये आपको पचारिबा सेन्स आसला आन एक्सप्लेनेशन फर द आप क्लर्क क्लर्क से एक्सप्लेनेशन मागिले कौन कहे एक्सप्लेनेशन मागिले तो डेफिनेटली कॉल्ड आप फर ये लगे कौन कहे कॉल्ड फर किसी जिन पचारिबा सेन्स आप कॉल्ड फर लगे तो डेफिनेट यार ऑप्शन सी राइट आंसर लगे कॉल्ड आउट नो कॉल इन तो लगे ही ना आशा करती एक क्वेश्चन जानते हैं समस्ते ये आपको बुझेबे भी किसी दरकार नहीं प्रिपोजिशन जोटा जानते हैं लगे ट्राए कर 28 नंबर सला नहीं जा 29 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राए करूँ बहुत बढ़िया कनसेप्ट अच्छे आपको बुझे समस्त थर क्लीयर हो फास्ट हो डाइट
ডায়েট সে তো অফ লাগিব, এটি তো অফ লাগিব, আর ডায়েট ডায়েট উইথ ওটা ডায়েট ফ্রম ডায়েট উইথ কি ফ্রম ফার্স্ট কথা হল ডায়েট অফ কোট লাগবে, ডায়েট অফ কোট লাগে সেটা বুঝি যান, ওকে ডায়েট ফ্রম আউ কোট লাগে মু সেটা কই দেছি, ডায়েট অফ ক্যান্সর যদি কমে তাকো ক্যান্সর যোগ মলা, যদি সে অ্যাক্সিডেন্ট মাই অ্যাক্সিডেন্ট রে মরতা সেটা তার এক্সটারনাল জিনিস কম কেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গলা, বাকি আপনার কোনসি এক্সটারনাল জিনিস পাই বসতা সেটি আমি অফ কু বসেই পার নতা, যদি তার ইন্টারনাল রোগ যে ক্যান্সর সে মলা কি তাকো জ্বর হয়েছিল সে মলা কি তাকো টাইফয়েড হয়েছিল মলা সেসব তার ইন্টারনাল জিনিস কম কে তার ইন্টারনাল জিনিস সেটি আমি ডায়েট সহ অফ লাগিব, কম কে ডায়েট সহ অফ লাগিব, যদি আউ কিছু আপনার লগাই পাই চাইছেন সেটি মানে কম সেটি আপনার এক্সটারনাল পড়ে আসবে, আই থিঙ্ক মোর প্রিপারেশন মনে পড়ুনি ডায়েট সহ উইথ কি আপনার ফর্ম লাগে তো সেটা আপনার এক্সটারনাল জিনিস লাগবে, আপনার কম লাগবে ডায়েট সহ লাগবে, যে যদি ডায়েট সহ অফ লগুছেন তার মানে কম তার গোটে ইন্টারনাল ডিজিজ হয়েছে আমি লগাই পারিবা অফ কু, আশা করছি থরে নেট রে সর্চ করে দেখি দেবে বিকজ পড়াচ্ছি আর রিকল হয়ে পারুনি ঠিক সে মানে আপনার যে এক্সটারনালটা কম লাগে ঠিক আছে ঠিক সে রিকল করদেবে, বট যদি কোনো ইন্টারনাল রোগ আছে তো আপনার ডায়েট সহ অফ লগাই বাধ্য সমস্ত বুঝিগলে, ওকে অনত্রিশ সরলা নেক্সট আপনার সাথে তিরিশ নম্বর কোশ্চেন আছে, তিরিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া ট্রাই করুন, ট্রাই করলে সমস্ত থরে কোশ্চেন পড়া, সে কোশ্চেন কম কুছে ডিউ টু হেভি রেন বহু জোরে বর্ষা হয়েছে, কম বহু জোরে বর্ষা হয়েছে, দ ম্যাচ ওয়াজ ওকে ক্যান্সেল, ওকে মনে থাকবে কোনো জিনিস আপনার অফ অফ নর্মালি আপনার কম গোটে মু কইবি এই যে অফ ইউজ করা যায় এ গোটে নর্মালি নেগেটিভ সেন্স কু বুঝায়, ওকে কোনো জিনিস গোটে বন্ধ হয়ে গলা কি সেপারেট সেন্স এই ভাল জিনিস লাগবে কি ও জিনিস ক্যান্সেল হয়ে গলা, ওকে কল্ড অফ লাগে কম কলি কল্ড অফ লাগে, কল অফ সিঙ্গল এফ লাগে কল্ড অফ লাগে, কল ডাউন নো কল আউটর মিং নো কল্ড অফ মানে ক্যান্সেল আপনার ম্যাচ বন্ধ হয়ে গেল পুরো বন্ধ হয়ে গেল সেসে আপনার লগাই পারবে কল্ড অফ কু লগাই পারবে, এসব প্রিপোজিশন কোশ্চেন হচ্ছে আকু তো জানেন কেতে টিপিকাল জিনিস হচ্ছে টিকি বুঝি বুঝি আপনার কোশ্চেন কু ডিল করিকি যাই পারবে, তিরিশ নম্বর চালা নেই যা একত্রিশ নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে একত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া ট্রাই করুন, ট্রাই করো কি সিন্স ফর ভিতরে কনফ্যুজ বিফোর আ ফ্রম র তো কোনো সেটি মিনিং নেই, ফ্রম মানে কম যেটি ওরিজিনেট হুয়ে কম কলে যেটি ওরিজিনেট হুয়ে সেটি ফ্রম লাগে, ওকে আই হ্যাভ নো নি মু তাকু জানিছি ড্যাশ এ লং টাইম ইয়ে গোটে কম পিরিয়ড অফ টাইম কম কলে পিরিয়ড অফ টাইম কোনসি পিরিয়ড অফ টাইম রে কেবে বি আপনার কম লাগেনি সিন্স লাগেনি, সিন্স কোড লাগে আপনার কম ওটি পয়েন্ট অফ টাইম রে কম কলে পয়েন্ট অফ টাইম রে, যদি পয়েন্ট অফ টাইম রে সিন্স লাগে এটি কম পিরিয়ড অফ টাইম এ লং টাইম এটা গোটে পিরিয়ড অফ টাইম তো ডেফিনেটলি ফর কু লগাইয়া পাই পড়ব একত্রিশ টা আপনার বি রাইট আনসর রইব, তো নেক্সট যে বত্রিশ নম্বর কোশ্চেন কু দেখি বত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া পাই ট্রাই করুন, সমস্ত ট্রাই করলে থ্রি কোশ্চেন কু পড়া বুঝিয়া পাই ট্রাই করবে, সে কোশ্চেন সে কম কুছি আওয়ার টিচর ড্যাশ সেভেরাল পয়েন্টস বিফোর দ এক্সাম, তো ডেফিনেটলি আওয়ার টিচর আমি কম কলে ডেফিনেট আপনার যেটি টিচর পড়াচ্ছেন সেটা ডেফিনেট আপনার কম করবে সে আপনার যা বি ডাউট থাকবে তাকে ক্লিয়ার করে দেবে, তো ডেফিনেটলি ক্লিয়ার তো সবুজে আছে ক্লিয়ার অফ তো জমা বি লাগবে ক্লিয়ার আউয়ে বি লাগবে এই দুইটা নেগেটিভ সেন্স আছে ক্লিয়ার অফ কম কলে ক্লিয়ার অফ মানে সে আপনার সবুতক ডাউট আপনার কম করেদেলে ক্লিয়ার করেদেলে সেই সেন্সরে লাগিপারিব ক্লিয়ার অফ মানে সবুতক আপনার সে যা বি প্রোবলেম থাকে তাকে সে সলভ করে দেবে, ওকে আওয়ার টিচর ক্লিয়ার অফ সেভেরাল পয়েন্টস বিফোর দ এক্সাম, তো বত্রিশ অপশন আপনার সি রাইট আনসর রইব, ইয়ে ফিক্সড প্রিপোজিশন মানে আপনার কেউ প্রিপোজিশন গলা ফ্রেজাল ভার্ব আকর্ডিং এ কোশ্চেন কু ডিল করি আপনি যা আসলে বত্রিশ নম্বর সরলা নেক্সট আপনার তেত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আছে তেত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া ট্রাই করুন, সে কুছি সিমন ড্যাশ ভেরি ভেরি পোলাইট আট দ মোমেন্ট মানে আট দ মোমেন্ট মানে এই সময় কথা কুছি কম কলি আট দ মোমেন্ট দেখু দেখু সাংগে সাংগে ভাবি দেবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কম কলি আর বাকি কোশ্চেন পড়া হি কিছু দরকার নাই বিকজ এইটি হি আপনার কোশ্চেন এন্ড হয়ে গেল আগুক বি দেখুন সে সিম্পল প্রেজেন্ট নেই যাইছে তো ডেফিনেট এটা কম লাগবে আট দ মোমেন্ট মানে এই টাইমে আমি লগাই পড়ব প্রেজেন্ট রন্টিনিউস কম কলি প্রেজেন্ট রন্টিনিউস ওয়াজ কোটে আসলে ইয়ে পাস্ট কথা তো কুনি আট দ্যাট মোমেন্টস কথা কুনি আট দ মোমেন্ট কথা কুছি ওকে হার্ড বিন তো লাগবে নি ইজ বিহেভিং ওকে ফার্স্ট কথা তেত্রিশ নম্বর যেটা পড়বি ইজ বিহেভিং ওকে বিহেভ সহ আইএনজি কেবে বসেনি ওকে ইজ বিং লাগিব সিমন ইজ বিং ভেরি পোলাইট ডাইরেক্ট তেত্রিশ অপশন ডি কু মারিকি যাবে আর কিছু মারিবা এটি দরকার নেই ওকে বিং বি গোটে ভর্ব আইএনজি ফর্মে বি কাউন্ট হয়ে পাইব বুঝিগলে সমস্তে তেত্রিশ অপশন বি রাইট আনসর রইব নেক্সট ডি রাইট আনসর রইব নেক্সট যে চৌত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আছে চৌত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া ট্রাই করতো ট্রাই কলে সে কুছি হি ডিসাইডেড টু সে ডিসাইড করেদেলা কম ডিসাইডেড সহ মনে কেবে টু লাগে ইনফিনিটিভ ভর্ব আসে ড্যাশ ফর দ ম্যাট্রিক এক্সাম ইন অর্ডর টু গেট হাই স্কোর ডেফিনেটলি তাকে হাই স্কোর করা কম করা পড়ব রিডু তো রিডু কিছু সেমি লাগে এটা কম্পুটর টর্ন পড়ে আসলে রিডু কু কাটি দেবে রিআপিয়ার হ্যাঁ তাকে আউথরে আপিয়ার করা পড়ব রি রাইট আউথরে লিখবে না আপনার রিমার্ক এটা কিছু সেন্স দেউনি আপনার বোকাব অনুসারে চৌত্রিশ অপশন বি রাইট আনসর সে রিআপিয়ার মানে আউথরে আপিয়ার কলে ভালো স্কোর করিপারিব চৌত্রিশ বি রাইট আনসর হল নেক্সট যা আপনার পঁয়ত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আছে পঁয়ত্রিশ নম্বর কোশ্চেন আনসর দেওয়া ট্রাই করুন ট্রাই কলে সে কুছি দ বয়েজ ওয়ার ড্যাশ ওকে বয়েজ ওয়ার ওকে ঠিক আছে টু হিয়ার দ ওকে এটি আপনার দেখতে ইনফিনিটিভ ভর্ব আসছিলাম টু হিয়ার দ্যাট উই ওয়ার ওকে গোয়িং টু বিল্ড এ ব্রিজ অলরেডি সেন্টেন্স পাস্ট আছে পাস্ট আমি লগাইবা পড়ব ফার্স্ট হচ্ছে ডেলাইটিং এটি মনে রাখবে আপনার কম লাগবে অ্যাডজেক্টিভ লাগবে কম কলে অ্যাডজেক্টিভ লাগবে
କାରଣ ଓୟାର ଓୟାର ଭର୍ କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରେ ନର୍ମାଲ ତାକୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କରେ ଦ ବଏଜ୍ ଓୟାର ଓକେ ଆପଣ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପଲ ହିସାବରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଡେଲାଇଟେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଡେଲାଇଟେଡ୍ ଓକେ ଡେଲାଇଟ୍ ହବନି କାରଣ ଓୟାର ପରେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏସ୍ କେବେ ଲାଗିବନି ଡେଲାଇଟ୍ ବି ନର୍ମାଲ ଆସିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେଲାଇଟେଡ୍ ରହିବ କ'ଣ କହିଲେ ଡେଲାଇଟେଡ୍ ରହିବ ଏହାର ପରେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଗଲେ ଇଜି ଥିଲା ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ ଓକେ 35 ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଇଯିବା 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଡେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରେ ସେ କହୁଛି ଦ ପର୍ସନ ଓକେ ଯିଏକି ଓକେ ଟକ୍ସ କଥା ହୁଏ ଠୁ ମଚ୍ ଇଜ୍ ସେଲଡମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ପର୍ସନ ଓକେ ହୁ ଏଠି ଲାଗିବ ପର୍ସନ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗେ ହୁ ଲାଗେ ଏଠି ହୁମ୍ର କୌଣସି ଯାହାକୁ ଏମିତିକି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ହୁ ଯାହା ପାଖରେ ଏମିତି ନାହିଁ ସେ ନର୍ମ ବି ଲାଗିବନି ତ ହୁ ଲାଗିବ ଏଟା ନର୍ମାଲ ଇଜି ଥିଲା ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଟକ୍ସ ଠୁ ମଚ୍ ଯିଏକି କଥା ହୁଏ ଯିଏକି ସେନ୍ସରେ ଆମେ କୁକୁ ଲଗେଇ ଯାଇପାରିବା 36 ଟିକେ ଇଜି ଥିଲା ବଟ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନେଇଯିବା ଆଉ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ଦ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ 9 o'clock ଏସୋଡେ ମାନେ ରାତି 9ଟାରେ କାଲି ତେଳୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନିଜେ ରିପେୟାର ହେଉନଥିଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା ତା ମାନେ ଏଟା ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଯିବ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ଯିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନିଜେ ରିପେୟାର ହେଉନଥିଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ରିପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ପ୍ୟାସିଭ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ୱାଜ୍ ରିପେୟାରିଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ୱାଜ୍ ରିପେୟାରିଂ ଏମିତି ଜମା ବି ଲାଗିବନି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ୱାଜ୍ ବିଂ ରିପେୟାର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି 37ର ବି ଲାଗିବ ୱାଜ୍ ରିପେୟାର୍ଡ ଏଠି ଲାଗିବନି ଓକେ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଓନ୍ଲି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ଶୋ କରୁନି କାଲି ଏତେବେଳକୁ ହେଉଥିଲା ନା ତ ପାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା 37 ଓନ୍ଲି ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେବେ ନେଇଯିବା 38 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଓକେ ଇଟି ହାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତା ମାନେ ଲର୍ନ କଥା ଉଠିଲା ତ ଯଦି ଲର୍ନ କଥା ଉଠିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଇଟି ଟେକ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ନିଂ ଜମା ବି ଲାଗିବନି ଏଇଟା କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆସିବନି ଇଟି ଟେକ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ନ ନା ପାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବନି ଇଟି ଜମା ବି ଲର୍ନ ଆସିବନି ଏଠି ଇନଫିନିଟି ଭର୍ବ ବସିବ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫିନିଟି ଭର୍ବ ବସ ଥରେ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟି ଟେକ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଟୁ ଏଠି ଆସିବ ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଇନଫିନିଟି ଭର୍ବ ଲାଗିବ ତ 38 ମନେ ରଖିବେ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇନଫିନିଟି ଆସିଯାଏ ଏ ଭର୍ବ ବି ଆପଣ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ଓକେ 38 ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇନି ୟାର ଇନଫିନିଟି ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ପଢ଼େଇଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପାଇଯିବେ 38 ସରିଲା ନେଇଯିବା 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଲେ ବିକଜ ଆପଣ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଆର୍ଟିକିଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା କ'ଣ କହିଲେ ଆର୍ଟିକିଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଫିଲିମ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସରେ ଆର୍ଟିକିଲୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନିପାରେ ସେ କହୁଛି ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କ ସିପ୍ର ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିପ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁଟା ନୋନ୍ ଥିବ ନେମ୍ ବି ନୋନ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦ ଟିକେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଏ ଜମା ଲାଗିବନି ଆନ୍ ଲାଗିବାର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ 39 ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆରେ ୟୁନିକ୍ ତା'ପରେ ବି ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ ଲାଗେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିଥିବେ 39 ସରିଲା ନେଇଯିବା 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ମାନେ ସେ ଏବେକା କଥା କହୁନି ସେ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ କ'ଣ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କଥା କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ତ ମାନେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର କଥା କହିଲାଣି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆର ତ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ସରିଗଲା କାଟିଦେବା ଓକେ ଓୟାର ତ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଓକେ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଇଏ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଏଠି ବିଙ୍ଗର ବି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ସହିତ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟିକେ ଲାଗିବ ମାନେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ୟୁଚରର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ 40ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ ବି କରିଦେଇଥିବେ ନେଇଯିବା 41 ନମ୍ବର ଅଛି 41 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ କହିଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ଏବେ କହୁଛି ବିକଜ୍ ଆହୁରି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଓକେ ଇଫ୍ ସି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ସରିଗଲା ଇଫ୍ ସହିତ ଭର୍ବତ କ'ଣ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଫ୍ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାଇପ୍ 3 ଏଇଟା ଆସିଲା ଇଫ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ଲାଗିଛି ହାର୍ଡ ପରେ ଭର୍ବତ ହାର୍ଡ ଫର୍ମ ମାନେ ଇଫ୍ ସହିତ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ତ ଆଗଟା କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ ଉଡ୍ ତା ସହିତ ହ୍ୟାଭ୍ ତା ସହିତ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବସିବ ଓକେ ଉଡ୍ ସହିତ ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ୱିଲ୍ ତ ଲାଗିବନି ୱିଲ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଗିବନି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା 41 ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇଯିବା ବାକି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ 42 ଅଛି 42ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେହି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବିନି ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେୟାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବିକଜ୍ ପିଲା ଭୁଲଭାଲ କରିକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ହି ଇଜ୍ ରିଚର୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ
କମ୍ପାରିଜନ କାହା କାହା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ହି ସହିତ ଚାଲିବ କମ୍ପାରିଜନ, କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ କେବେ ବି, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଥିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହି, ହି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହି ଇଜ୍ ରିଚର୍ ଦ୍ୟାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ୍ ଲାଗିଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଲାଗିବ, ଯଦି ଏଠି ହିମ୍ ହର୍ ମି କିଛି ବି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍କୁ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବ। ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ 42 ଡି ରେଟ୍ ଆସିବେ, ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଇଏ ଇଜି କନ୍ସେପ୍ଟ, ଟିପିକାଲ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ପିଲା ଦ୍ୟାନ୍ ମି ଲେଖିକି ପଳାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା ନ ଦେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ନ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହି ଇଜ୍ ରିଚର୍ ଦ୍ୟାନ୍, ପିଲା ମି ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ରିଚର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଲାଗିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ବା 43 ନମ୍ବର ଅଛି, 43 ନମ୍ବର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଏଠି ଜମା ବି କେହି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି। ଆର୍ଟିକିଲ ଯେଉଁଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ କ'ଣ ଲାଗେ? ଦ ଲାଗେ। ଜଣାଥିବ ଅପ୍ସନ୍ ସିକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ, 43 ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ବେଶୀ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା 44 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖି 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ପିଲା ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍କୁ କାଟିକି, ଓକେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଚ୍ଛ ଲଖିଦେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଲଖିଥାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲି, ଆନାଦର ଲଖିଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ୱାନ୍ ଆନାଦର ଆଉ ଇଚ୍ ଅଦର ଭିତରେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଜୟ ଆଣ୍ଡ କାଜଲ ଆର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ଦେ ଲଭ୍, ଜିଅନ୍ ଦେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହା କହିବେ ଇଚ୍ ଅଦର ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ ଅଦର ଲାଗିବ। ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଆନାଦର କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ, ମନେ ରଖିବେ ଇଚ୍ ଅଦର ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଟୁ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗେ, ଆଉ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବା, ୱାନ୍ ଆନାଦରକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲେ? କାଜଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଜୟ ନା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇଚ୍ ଅଦର ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନି ପର୍ସନ୍ ଥାନ୍ତେ ସେଇଠି ଆମେ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଆକୁ ଜମା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଟ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆର୍ ନଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ରହିବ, ଆର୍ ନଟ୍ ତ ସବୁଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍ ଆଇ ଜମା ମାରିବେନି, ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ତ ଆସିବନି, ବିକଜ୍ ଆଇ କଥା କହିଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେୟାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇ ରହିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ଲଗେଇ ରହିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ଲଗେଇଲା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେବାନି। ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବ ଆମ୍ ନଟ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଇ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଆମ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବନେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ବନେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆର୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ୍ର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ବନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ, ନେଗେଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା, ଆମ୍ ନଟ୍ ଲେଖିବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ୍ ନଟ୍, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଆଇକୁ ରଖିବା, ୟୁ ତ ଆସିବନି, ତ ଆପଣଙ୍କର 45 ଅପ୍ସନ୍ ସି ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇକି 250 କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ 250 ଯେତେ ପାରିବି ଆର୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଉ ସବୁତକ ଜିନିଷକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।